नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खोमन साहू। अयोध्या में हुए भूमि पूजन का उत्साह कुरुद में भी देखने को मिला, जिसमें विधायक चंद्राकर भी शामिल हुए। जब अयोध्या में भूमि पूजन के अनुष्ठान हो रहे थे, तभी कुरुद के प्राचीन राम मंदिर में भी पूर्व मंत्री व कुरुद विधायक अजय चंद्राकर के साथ भाजपा के कार्यकर्ता व्यापारीगण और राइस मिलर सभी ने मिलकर हवन पूजन कर श्री राम की आरती भी की। पूरे शहर में भगवा ध्वज लहराते दिखे, राम भक्तों ने फटाके भी जलाए। कोरोना संकट के बीच भले ही कोई बड़ा सार्वजनिक आयोजन नहीं कराए गए, लेकिन भक्तों ने इस दिन को याद बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी के चलते पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी अपने गृह नगर कुरुद के प्राचीन श्री राम मंदिर में हवन पूजन कर आरती भी की। के आज माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं। पूरे विश्व में सनातन धर्म के जो भी प्रेमी और जो भारतीय मूल्यों को, भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को समझते हैं, वो ये सब जानते हैं कि भारत के और सनातन धर्म के, भारत की संस्कृति और परंपरा में राम का क्या महत्व है। किसी भी समय विदेशी आक्रांताओं ने भारत के इन मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश की, विवादग्रस्त बनाने की कोशिश की, पर वो इतने गहराई से रचे बसे थे हमारी परंपराओं में, हमारे वांग्मय में, कि उनको मिटा पाना असंभव था। जिस दिन से वहाँ मस्जिद के निर्माण हुआ होगा से आज की तारीख तक इन 500 वर्षों में लोगों ने सैकड़ों बार उसके मुक्ति के लिए आंदोलन किया, सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया, आहुति दी और निरंतर चलते रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे आग्रह किया था कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, उनके निर्णय के तहत आज भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं की आज प्रतिपूर्ति हो रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सिर्फ भावनात्मक लगाव नहीं है, ये देश उस दिशा में बढ़ रहा है जब जो कल्पना राम राज्य की हुई थी। 370 का ख़त्म होना, 35A का ख़त्म होना, 3 तलाक का ख़त्म होना, ये एक भारत को भारत बनाने की शुरुआत असल अर्थों में आज़ादी के बाद अब शुरू हुई है। घटना चिकित्सा सेवा के अंतर्गत 24 घंटे निशुल्क एम्बुलेंस की सुविधा, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, हर एक जीवन अनमोल। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, संवेदनशील जननायक, रामचरितमानस के ज्ञाता माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को जन्म दिवस की अशेष शुभकामनाएं। विनीत समस्त कार्यकर्ता, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, संवेदनशील जननायक, रामचरितमानस के ज्ञाता माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को जन्म दिवस की अशेष शुभकामनाएं। विनीत समस्त कार्यकर्ता, दुर्ग ग्रामीण विधानसभा।